गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। स्वम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाहू कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर। दमोह शहर के बीचों बीच महाकाली चौराहे के समीप बेदरा मोहल्ले में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद की वजह है दोनों पक्षों के द्वारा अलग अलग बताई जा रही है। वही घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब एक दर्जन घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत की, उनके बयान लिए जा रहे हैं। इस घटना के संबंध में क्या कुछ कहना है कोतवाली थाना प्रभारी का व दोनों पक्षों के लोगों का, यह भी हम आपको सुनाते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर मामला क्या है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष चौसिया समाज का, दूसरा पक्ष ठाकुर समाज का है। क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों का सुनते हैं। पहुँचे अब क्या है, अमित राजपूत सन ऑफ गोविंद राजपूत और ये फुटेरा वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं जी। इनके सामने एक विजय चौरसिया जी रहते हैं। इनका ये आसपास में रहते हैं। इनका कुछ विवाद हुआ है, पारिवारिक विवाद, छोटी छोटी बातों को लेकर, जो आपस में आज ये इस तरीके से लड़ लिए हैं। करीब इनका पथराव भी हुआ है, जो दोनों परिवार के करीब 6-7 लोग घायल हैं, जो अस्पताल में आए हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जो पुलिस मौके पर पहुँच गई है और अब जाँच की जा रही है। जो भी तक सामने आएंगे सर, कोई खास वजह घटना की अभी तक कुछ सामने नहीं आया। घर के आमने सामने मकान है और छोटी छोटी बातों को लेके आज इन लोगों में कुछ आपस में ज़्यादा आक्रोश आ गया और आपस में लड़ लिया। सर कुछ घटनाक्रम आया है, क्या है पूरा मामला? अभी करीब आधा दर्जन लोग मारपीट के बाद जिला अस्पताल आए हैं दमोह के इलाके से, तो उनका प्राथमिक इलाज करके उनको भर्ती किया जा रहा है। क्या कंडीशन है सभी? अभी गंभीर हालत में कोई नहीं, सभी को कुछ को मामूली चोटें आई, कुछ को थोड़ी बहुत चोटें आई। क्या नाम है? डॉक्टर गौरव, दमोह जिला अस्पताल। विवाद कुछ नहीं था, कल 4 लोग हमारे दौरे में बैठ के गाड़ी उलझ कर रहे थे, उसके बाद अपन ने रोका तो उन्होंने रात में हमें इधर मारा पीछे। अपन ने FIR की, FIR की अपने पास कॉपी भी है, कोई पुलिस वाला नहीं आया आज। वो तक के बिल्कुल हम जैसी दुकान से हमारा छोटा भाई आया, उनने पूरा तलवार अलवार से लेकर पूरे घर पे हमला कर दिया। कितने लोग थे ये लोग? वो करीबन 12-13 जन थे, कल 4 जन थे, आज 12-13 जन। क्या नाम है उनका? एक का नाम है विजय चौरसिया, नीरज चौरसिया, किशन चौरसिया, सेवा चौरसिया और बसंती चौरसिया, मतलब पूरे वो तैयार थे आज। तो ये विवाद काय का चल रहा है? विवाद कुछ नहीं है, विवाद ये था कि अपन कल रोक रहे थे कि मैं दौरे में बैठ कर गाली गलौज मत करो। आप लोगों ने मारपीट की है क्या? बुरी घायल होके आए आप लोगों ने मारपीट की? नहीं, वो जबरदस्ती में आ गए हैं, कुछ ऐसा नहीं। कल अपन ने FIR की, कोई FIR की सुनवाई नहीं। कितने लोग घायल हैं आपके घर? मारपीट हुई थी कल, मारपीट उन्होंने हम ही को बस मारा था, घर के सब आ गए तो भग गए थे वो 4 लोग। कितने लोग घायल हुए हैं आपके? हमारे लोग पूरे 12-13 लोग घर की, 3 भर्ती हो गए हैं सीरियस।